मैं किसी मंदिर में भी नहीं जाता हूँ सर, मेरे लिए विद्यालय ही मंदिर है। क्योंकि मेरे पास जैसे आजकल नवरात्रि चल रही है, अब लोग कह सकते हैं कि ये अधर्मी है या कुछ भी, वो उनकी सोच है, लेकिन मैं अधर्मी नहीं हूँ सर। मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है वो है विद्यालय में जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनके माँ बाप ने मेरे पर इतना भरोसा किया है। यकीन मानिए सर, आज मजदूर के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और गाड़ी वाले को, वाहन वाले को 1400-1400 रुपया वो किराया देते हैं, जबकि उनकी ऐसी स्थिति है ही नहीं कि वो 1400 रुपया किराया दे सके। लेकिन उनको ये विश्वास है कि जोशी सर जो है पूरे तन्मयता से हमें पढ़ाएंगे और हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं सेटल करेंगे, और वास्तव में नतीजा हुआ भी है। हालांकि मैं ये नहीं जोशी कहूंगा जी, कि जो मैंने बहुत सुविधाएं बड़ा मैं आपकी काम कर दिया, कक्षा में लेकिन एक देख रहा हूं, यादगारी। जी मैं जिन स्कूल जिस जो स्कूल में आप आपकी सुविधाएं देख रहा हूं, आपने टेलीविजन स्क्रीन लगा रखा, आपने बहुत सुंदर बोर्ड्स लगा रखे हैं, ये सब कहां से अरेंजमेंट हुआ? क्या ये शिक्षा विभाग की ओर से मिला? हाँ सर, एक्चुअल में जो है शिक्षा विभाग का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये योगदान है हमारा जो समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवक हैं, और जो मेरे विद्यालय में अभिभावक हैं, वो 100-100 रुपया विकास शुल्क करके विद्यालय को देते हैं। उसी को हम जोड़ तोड़ करके जो है, और थोड़ा सा जो समाज के इस तरह के व्यक्ति हैं कि जो विद्यालय को दान देने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे मिलकर मैंने ये विद्यालय में सारी सुविधाएं जुटाई हैं।